सुमेरा न्यूज और आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। पूर्व आबकारी मंत्री विजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री का आरोप है कि मैंने कोरोना कंट्रोल रखने के लिए शराब दुकानें बंद रखने का लिखित आदेश दिया था। वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री और उनकी अधीनस्थ अधिकारियों ने महिलाओं के माध्यम से शराब बिकवाई। वही पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने वीडियो भी जारी किया। वीडियो में बताया गया कि शराब MRP से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। पूर्व आबकारी मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर आबकारी नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राठौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक निश्चित कीमत से कम रेट पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन राज्य में नियमों के विपरीत जाकर सरकार ठेकेदारों के द्वारा लूट खसोट की जा रही है। मध्य प्रदेश में शराब की अधिकतम और न्यूनतम कीमत तय है, उसके बाद भी अधिकतम कीमत से ज़्यादा पर शराब बेची जा रही है। ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वही पूर्व मंत्री ने कहा कि लेकिन सरकार ऐसे ठेकेदारों को बचा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना निरंतर बढ़ता जा रहा है और कई बार हम लोगों ने चेताया था कि इस माहौल में शराब की दुकानों को बंद रखना चाहिए, मैंने लिखित में आदेश भी किया था, लेकिन सरकार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मंदिर मस्जिद हमारे बंद रहे, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी गईं, और न केवल खोल दी गईं, जिस बात के लिए तत्कालीन सरकार आप तो वर्तमान हो गई, बहुत विरोध किया जाता था माताओं बहनों को कि शराब बिकवाने की जवाबदारी दी जा रही है और भ्रामक प्रचार किया गया था, जबकि कांग्रेस सरकार में कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था।